तो मेरा YouTube चैनल में आपका लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ एक ऐसे ऐप्स के बारे में जो रमज़ान में बहुत ही हम लोगों के लिए यानी मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये ऐप्स हर एक मुस्लिम भाई के मोबाइल में होना ही चाहिए क्योंकि इससे इतने फ़ायदे हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो चलिए मैं आपको उस ऐप्स के बारे में बताता हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाकर टाइप करना है किबला। आप लोगों को प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ से आप लोगों को टाइप करना है किबला, किबला कनेक्ट, COONN कनेक्ट, फाइंड डायरेक्शन। देखिए यही है सबसे फ्रंट वाला, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए यहाँ से जाके आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया हूँ तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ओपन करता हूँ। और ये इतना बढ़िया ऐप्स है ना कि आप समझिए बहुत है। देखिए ये आपके सामने दिखाई दे रहा है किबला किधर है। देखिए ये आप जिस मोबाइल से आप मोबाइल इस तरह टर्न कीजिएगा, आपको बताएगा कि आपका काबा किधर है। आप नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, आपका डायरेक्शन नहीं समझ में आ रहा है, ट्रेन में आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इस ऐप्स का प्रयोग करके आप पता कर सकते हैं कि काबा शरीफ किधर है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर साल्ट में आप लोग को दिया है, फर्स्ट जो ऑप्शन है साल्ट, वहाँ पर देखिए आपको साल्ट में भी बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो साल्ट में आपको हद से ज़्यादा ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप जाकर बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे फजर का आप अलार्म लगा सकते हैं, सनराइज़ का, जोहर का, असर का, मगरिब का, देखिए आप जितना चाहें उतना लगा सकते हैं। और इसका बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही उपयोगफुल है ये। तो हर एक मुसलमान भाई के पास ये ऐप्स होना ही चाहिए। और दोस्तों मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से जाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कुरान, यहां पर कुरान की बहुत सारी आयतें हैं, सूरे हैं। अब देखिए ये अल-फतहा, हम यहां से सूरे से देखिए, और यहां पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। ये देखिए सब इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है, सब कुरान की आयतें हैं। आप जब चाहें तब अपने मोबाइल से ही पढ़ सकते हैं, आपको कुरान शरीफ लेके इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए बहुत सारे हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारी आयतें हैं इसमें, हद से ज़्यादा आयतें हैं। और ये देखिए, और उसके बाद है सर्च कुरान, आप जाके कुरान शरीफ भी इसमें पढ़ सकते हैं, पारा वगैरह सब इसमें पढ़ सकते हैं। देखिए अलहम न्यूज़, अल-फातिहा, जो आपको मन करे वो आप कुरान शरीफ में जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं आयत भी। उसके बाद देखिए यहाँ पर साल ट्रैकर भी दिया गया हुआ है कि आप एक साल में कितना पढ़ते हैं, आप अपना रूटीन बना सकते हैं कि फजर में मैं इतना पढ़ता हूँ, जोहर में इतना पढ़ता हूँ, और एक कैलेंडर। उसके बाद कुरान ट्रैकर, आप कुरान शरीफ का हर एक पन्ना इसमें पढ़ सकते हैं, और क्या पढ़ें आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कम्युनिकेटिव भी आप लग सकते हैं। देखिए विजुअल काबा, आप काबा का क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लोकेशन ही बता सकते हैं कि काबा किस दिशा में, लेकिन अब देखिए आप इसका ही बता सकते हैं। और साथ साथ देखिए मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, देखिए विजुअल काबा, तो काबा किबला किधर है, आप इस ऐप्स का उपयोग करके डायरेक्शन, डायरेक्ट डायरेक्शन से ही क्या कर, देखिए ये सर्च कर रहा है। देखिए मेरा लोकेशन ये है, और देखिए मैं इसको राउंड कर रहा हूँ तो मुझको समझ में आ जाएगा। देखिए काबा इस तरफ है, मैं अपने मोबाइल को राउंड कर दिया तो काबा इस तरफ है। देखिए मैं अभी निधर हूँ, अभी मैं पूरब दिशा की तरफ हूँ, अब देखिए मैं पश्चिम में जा रहा हूँ, तो देखिए मुझे किबला की तरफ बता दिया और ये किबला की तरफ मेरा मुंह हो गया। तो आप इसे करके आसानी से अपना डायरेक्शन पता कर सकते हैं। फाइंड मस्जिद, आपके आसपास कौन सी मस्जिद है, जैसे मैं अभी छपरा में रह रहा हूँ तो देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि छपरा में कौन सी मस्जिद मेरे नियर है। आप कहीं भी जा रहे हैं अगर आपको नमाज़ पढ़ना है, देखिए छोटा तेलपा, देखिए मेरा कुरार मेरे पास क्या है, तो 1.2 किलोमीटर में कुरार मस्जिद है, उसके बाद छोटा तेलपा मस्जिद है, उसके बाद दारुल उलाम रजीउल मस्जिद है, उसके बाद तकिया मस्जिद है, अल मस्जिद है, मौला मस्जिद है, पुलिस लाइन मस्जिद है, ये सब मेरे प्यास की मस्जिद है। तो दोस्तों आप इसका प्रयोग करके, और देखिए मैं और आप कुरान एकेडमी, इसमें जुड़ के आप कुरान की तिलावत बहुत सारे लोगों के साथ कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आप जाकर कर सकते हैं। और देखिए मैं आपको इसके साथ साथ में और आपको भी बता देना चाहता हूँ, इसके साथ साथ बहुत सारा है, जैसे ये देखिए दुआ, अब बहुत सारी चीज़ की दुआ है, खाने की दुआ, इफ्तार की दुआ, सहर की दुआ, वार्किंग, देखिए इवनिंग दुआ, रेस्टोरेंट में, प्रेयर में, जैसे मैं आपको प्रेयर की एक दुआ एग्जाम्पल में करके दिखा सकता हूँ। देखिए आफ्टर एब्लेशन, आफ्टर प्रेयर, प्रेयर के पहले कौन सी दुआ करनी चाहिए, तो ये देखिए आपके सामने ये सब आ गया दुआ। अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर दोस्तों अगर आपको
पढ़ना भी नहीं आता है उर्दू में, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो आइकन दिया हुआ प्ले का, प्ले करके आप इसको सुन सकते हैं, याद कर सकते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, आप इसका उपयोग करके बहुत सारी दुआ आप कर सकते हैं, जितनी दुआ है, फैमिली का दुआ, होम की दुआ, फॉरेन दुआ, आप बहुत सारी दुआ को इसमें क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें तस्बीह। हम लोग तस्बीह गिनते गिनते समझ में नहीं आता है, देखिए, और ये आप देख रहे हैं डायरेक्शन में घुमा रहा हूँ, ये इधर ऑनलाइन डायरेक्शन हो रहा है। तस्बीह देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें तस्बीह है। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, सुभान अल्लाह, देखिए कैसे तस्बीह इसमें आप देखिए, यहाँ से देखिए मैं इसको स्कैन कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए ऊपर काउंटिंग भी हो रहा है, यहाँ पर तस्बीह गिना भी रहा है। तो अगर आप रात में सो रहे हैं तो सोते वक्त आप इसको गिनते रहिए और वहाँ पर आपका काउंटिंग होते रहेगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्बीह आपका हो रहा है। अगर आपका काउंट हो जाएगा तो फिर देखिए फिर से आपका काउंट हो गया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें तस्बीह है। और वो अगर आप चाहते हैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने वाला तस्बीह, तो सब चीज़ इसमें हलाल फाइंडर, आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपके साथ हलाल प्लेस कौन है, जहाँ पर क्या होता है। तो देखिए मेरे पास स्वेट वेज रेस्टोरेंट्स है, ये मेरे पास है इस 1.7 किलोमीटर के स्ट्रोंस में, तो देख सकता हूँ। और यहाँ पर अल्लाह का नाम देखिए आप, सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर अल्लाह का सभी नाम दिया हुआ, देखिए आप यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों कितना इम्पोर्टेंट ये ऐप्स है, आप समझ नहीं सकते हैं। तो हर एक मुसलमान भाई के मोबाइल में ये ऐप्स होना ही होना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ऐप्स की हर एक आदमी के पास ये पहुंचे। अब देखिए हिजरी समूह, आज हिजरी का पहला महीना है, तो देखिए आज पहला महीना है और उर्दू में 6 मंथ है। यहाँ पर सब देखिए, यहाँ पर इवेंट्स में कितना तारीख को क्या है सब देखिए। तो हिजरी न्यू ईयर्स भी है और ये भी है, रमज़ान इस्ताज 6 मई को है, उसके बाद लैलतुल कदर कब है, ईद उल फितर कब है, ईद उल अदहा कब है, सब चीज़ इसमें दोस्तों दिया गया हुआ है। तो इस एप्स का प्रयोग करके आप, हम लोग जाते हैं दूसरे से पूछने कि आज उर्दू की कौन सी तारीख है, तो आप इसी कैलेंडर के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए आज 6 तारीख है लेकिन उर्दू की आज 1 तारीख है। अगर हम 5 तारीख है लेकिन 10 तारीख को उर्दू को 5 तारीख होगी, तो आप इस दोस्तों का उपयोग करके इसका हद से ज़्यादा आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को इतना आप शेयर करें, इतना शेयर करें कि हर एक मुस्लिम भाई के मोबाइल में ये वीडियो होना ही चाहिए, ये ऐप्स होना ही चाहिए, क्योंकि ये ऐप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।